आज हम यहाँ पे चिल्ड्रंस डे एडवांस में मनाने आए हैं। यहाँ अपना घर है, यहाँ के हमारे 23 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 23 बच्चे हैं जिनके साथ हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बड़गाम जो है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने आए हैं। तो ये एक बहाना था यहाँ आने का, हम एक्चुअली इन बच्चों से मिलना चाह रहे थे। और जो हमारे चेयरमैन सर हैं मोहम्मद अशरफ मलिक साहब जो डलसा के चेयरमैन हैं उनकी गाइडेंस के तहत, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं जो हाई कोर्ट अथॉरिटी के हैं वो हैं हमारे मिस्टर जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब, वो बहुत कीन हैं कि जो ये नालसा की जो भी लीगल एड की अवेयरनेस और जो सर्विसेज हैं ये सबसे ज़्यादा बच्चों और ख्वातीनों उनको मिलना चाहिए। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक आजकल 14 नवंबर है जो कि चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाया जाता है, तो इससे बेहतर मौका और कुछ नहीं था। हम यहाँ पे आए और इन बच्चों के साथ वक्त गुजारा और इनको बताया कि हमारी जो लीगल सर्विसेज हैं हमारी उनके लिए हमेशा खुली है। यहाँ के जो ओनर हैं उनको भी बताया कि अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो, या हमने इनसे काफ़ी प्रोग्राम्स भी करवाए हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवाया है जिसके रिजल्ट भी आज हमने डिक्लेयर करके उनको सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन अवार्ड की, और बाकी भी NGOs की मदद से हम इनके लिए कुछ और हेल्प भी कर रहे हैं जो इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज मे बी इन अ वीक हम करेंगे। तो ये एक प्रोग्राम जो था ये नालसा की तरफ से था। एक्चुअली नालसा का जो है एक 42 डेज का कैलेंडर आया था जो हमारा ये पैन इंडिया अवेयरनेस है, ये 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ और कल इसका आखिरी दिन है, वैलिडेट्री सेशन है जो कि दिल्ली में होगा, नेशनल लेवल पे होगा। तो ये आज जो है हम यहाँ पे इसका एक कंक्लूजन कर रहे हैं, कल भी हमारा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट का कंक्लूजन होगा। ऐसी हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, ये पूरे इंडिया में जो है ये सारे जो प्रोग्राम्स जो हम यहाँ कर रहे हैं वो पूरे इंडिया में हो रहे हैं। तो हमारा बेसिक मकसद यही है कि हम बच्चों और जो हमारी औरतें हैं जो कि बहुत ही वीकर तबके से ताल्लुक़ रखती हैं उन तक जो भी सहूलियत हम पहुंचा सके हम पहुंचाएं। किस तरह की सहूलियत? देखिए शिकायत तो मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसे जेन्युइन शिकायत की है। बेसिकली हमारा काम जो है वो है जो बहुत दूर दराज इलाके हैं उसमें कैंप्स लगाना, लीगल एड कैंप्स। कैंप से मेरा मतलब है कि हम वहाँ पे जैसे हमारे PLVs है, हमारे हर एक तालुका में एक PLV या दो PLVs हैं जो डोर टू डोर अवेयरनेस कर रहे हैं। डोर टू डोर का मतलब है हर एक घर का दरवाज़ा खटखटाना और उनको बताना कि हम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हैं और आपके जो हम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है इसमें ये चीज़ें होती हैं, औरतों के लिए ये लॉज है, किसी को अगर वकील की ज़रूरत है हमें बताएं, हम आपको फ्री में लीगल एड सर्विसेज देंगे, वकील देंगे। ऐसे ही हर एक पंचायत में पंच सरपंच के थ्रू भी हमने ये अवेयरनेस करवाई है। मुझे नहीं लगता बड़गाम का कोई भी ऐसा तबका होगा जिसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जिसने नाम नहीं सुना होगा। सिंस लास्ट 1 ईयर आई एम पोस्टेड हियर, पिछले साल दिसंबर में अराउंड 9-10 दिसंबर को मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई और बड़गाम में फर्स्ट टाइम जो है एक फुल टाइम पोस्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का आया, सेक्रेटरी का आया। और हमने दिसंबर से ही, आई रिमेम्बर जो हमारा पहला प्रोग्राम था वो खान साहिब में था, आपने शायद न्यूज़ में भी देखा होगा, और उस दिन जिस दिन हमारा प्रोग्राम था वो ख्वातीनों से रिलेटेड था, उनके हाइजीन से रिलेटेड था। सवेरे इतनी बर्फबारी हो गई बट स्टिल हमने वो कैंसिल नहीं किया, हम वहाँ गए, हम वहाँ पे फिसलन हो रही थी बट स्टिल हमारा इतना वो था, डिटर्मिनेशन इतनी हाई थी कि हमने कहा नहीं हम जाएंगे, वी हैड टू वेट, वहाँ से फिर क्लियरेंस करवाई थोड़ी सी बट देन वी डिड द प्रोग्राम। तो ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ये कर नहीं रहे हैं, कोविड की वजह से थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हो गई बीच में जब लॉकडाउन था और हम लोग ज़्यादा, आपको पता है कि बीच में कितने ख़राब हालात हो गए थे, तो उन हालातों में हमें भी कहा गया था कि थोड़ी सी ये गैदरिंग वगैरह ये ना हो। हम ऑनलाइन फिर भी कर रहे थे, ऑनलाइन मतलब फ़ोन पे हम जैसे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो जैसे औरतों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड हम अवेयरनेस कर रहे थे, बच्चों के अब्यूज़ से रिलेटेड हम अवेयरनेस ये कर रहे थे, फिर ऐसी हम बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं, जैसे कोविड के दौरान जो है किसी की अगर किसी बच्चे के अगर किसी बच्चे ने अपने माँ बाप दोनों को खोया हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स डाली हैं वहाँ जिसमें उनका खर्चा पढ़ाई का वगैरह वगैरह जो भी है वो गवर्नमेंट उठाएगी। तो वो स्कीम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ यू नो कोलैबोरेशन में या पता किए क्या क्या स्कीम्स हैं, हम जाके उनको
जो है वो सारी स्कीम्स जो है वो डोर टू डोर हम बता रहे हैं या पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं उनको बता रहे हैं कि किसी के पास, किसी को अगर इस स्कीम की जरूरत है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स, बाकी उज्ज्वला वगैरह वगैरह, हमने तो बहुत सारे कैंप्स ऐसे किए हैं जिसमें हमने लोगों तक वो स्कीम्स भी पहुंचाई है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जिनकी बहुत टाइम की पेंडिंग थी, उनको जो कंसर्न्ड हेड थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, उनके साथ वो उनका सारा जो इंटरेस्ट है वो माफ़ करवाया और बाकी फीस भी कम करके फिर वो भी इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने वो भरी है। पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि जुडिशरी जो है ड्रग्स को छोड़ देती है। हमारे यहाँ लॉज जो है बहुत स्ट्रिंजेंट है। मैं आपको बता दूँ कि ड्रग्स से रिलेटेड बेल मिलना, किसी को कोई भी अगर सप्लाई कर रहा हो या किसी की पोजेशन में ड्रग्स पाया गया, उसको बेल बहुत मुश्किली से मिलती है। मैंने, आप अभी भी अगर देखेंगे जेलों में, सेंट्रल जेल में काफ़ी दो दो तीन तीन साल के अरसे से वो जो है वो लोग जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं या पोजेशन में जिनके ड्रग्स निकले वो अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लॉस दिन ब दिन स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं, सख्त होते जा रहे हैं कि इनको जो है बेल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर कह रहे हैं कि ड्रग्स से रिलेटेड मेरा मैसेज क्या है, मैसेज यही है कि ड्रग्स बच्चे क्यों लेते हैं, वो उनको भी कोई खुशी नहीं होती लेने की। जब बच्चा डिप्रेशन में जाता है, कोई काम नहीं होता है उसको करने के लिए, तो बच्चा जो है खुशी ढूंढता है। जाहिर सी बात है, हम सब खुश रहना चाहते हैं, तो वो जो है इस ड्रग्स में एक टेम्परेरी खुशी होती है। वो बेचारे बच्चे हैं, मासूम हैं, कोई उनको ज़बरदस्ती फंसाता है या कोई ऐसे, वो उस खुशी के चक्कर में वो ड्रग्स लेते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से, बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आप सब बड़े जो हैं, अगर आस पास अपने कोई भी फैमिली को देखते हैं जो वीकर सेक्ट से बिलोंग करती हैं, उनकी हेल्प करिए। अगर खुद हेल्प नहीं कर सकते हैं तो हमारी अथॉरिटी के पास आइए, हम उनका ख्याल रखेंगे। हम किसी एनजीओ को इन्वॉल्व कर सकते हैं उसकी स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड, जिससे बच्चा बिजी रहे और इन टर्न वो ड्रग्स नहीं करेगा।